लगता है योगी के पुलिस राज में जनता के प्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान लग रहे हैं। बहराइच की जरवल पुलिस ने एक अनोखा काम किया है, जनता की समस्या लेकर आए जनप्रतिनिधि को ही मुकदमे का अभियुक्त बना दिया, क्योंकि दरोगा साहब ने जो मांगा था जनप्रतिनिधि ने उनकी मांग नहीं पूरी की थी। जी हाँ, मामला यूं है कि जरवल नगर पंचायत की चेयरमैन तस्लीम बानो है और उनका काम उनके प्रतिनिधि पति इम्तियाज अली देखते हैं। कस्बे की एक महिला रुखसार छेड़खानी की शिकायत लेकर दरोगा अभय सिंह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने थाने से भगा दिया। चेयरमैन तस्लीम बानो चौकी पहुंची तो चौकी प्रभारी ने उन्हें अभद्र शब्दों के साथ बाहर कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि जो चार लोग आरोपी थे उनमें से एक को पार्टी बनाकर चौकी प्रभारी सिंह ने चेयरमैन प्रतिनिधि इम्तियाज अली को नामजद करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया। कस्बे के लोगों का यह मानना है कि दोषी लोगों को पुलिस संरक्षण देने का काम कर रही है। हाथ से भिजवाया हूँ और जो जरवल का आदमी है वहाँ पे लेके गया है और ये सबूत है मेरे पास। एनी टाइम अभी भी जांच करवा। हम मामा घर का रेत रहा तो चार लोग बैठे रहे, मतलब बबलू बिलाल और कीवा और साकिब। तो बबलू हमारा गड्ढा पकड़ के पटक दी और बबलू और बिलाल जब हम हल्ला मचा। मैं साहब को के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, क्या है पूरा मामला? लगाया कि गलत है। क्या गलत है? सब गलत है मामला। क्या मामला गलत है? पुलिस जो द्वारा जो फंसाई गई है वो सब झूठ है। इनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं थानेदार द्वारा, तो क्या है मामला? ये सारे आरोप जो हैं वो निर्धारित हैं। हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि तो इस तरह के हैं कि अगर कहीं भी घटना स्थल पे कोई मसला हो जाता है तो पुलिस प्रशासन